दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम 2020 का T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 खत्म होने के बाद अब सभी को साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का इंतजार है। T20 क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल भी ICC ने लॉन्च कर दिया है। हालांकि अभी कुछ टीमें क्वालिफाइंग टूर्नामेंट से गुजरेंगी और इसके बाद ही वो टूर्नामेंट भी अपनी जगह बना पाएंगी। आपको बता दें श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम कम रैंकिंग के चलते टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब ये दोनों टीमें इस सुपर 12 में जगह बनाने के लिए क्वालिफाइंग दौर में खेलेंगी। इसके अलावा अभी तक T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए मेजबान ऑस्ट्रेलिया, भारतीय टीम, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान की टीमें जगह बना चुकी हैं। ये टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से शुरू होगा और लगभग एक महीने तक चलेगा। आपको बता दें इस टूर्नामेंट का फाइनल मेलबर्न में 15 नवंबर को खेला जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2020 के लिए भारतीय टीम का पूरा स्क्वाड भी लगभग तय हो चुका है। हालांकि कुछ बदलाव हमें आगे देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम कैसी होगी। पहले बल्लेबाजों की बात करें तो उसमें होंगे रोहित शर्मा, शिखर धवन, KL राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और श्रेयस अय्यर। जी हाँ दोस्तों, ये हम सभी के लिए काफ़ी चौंकाने वाली बात हो सकती है कि महेंद्र सिंह धोनी 2020 के वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि अब ये खबरें तेज़ हो गई हैं कि धोनी जल्द ही संन्यास लेने वाले हैं, तो ऐसे में वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। वैसे हम सभी तो यही चाहते हैं कि धोनी 2020 का वर्ल्ड कप भी ज़रूर खेलें। अब दोस्तों ऑलराउंडर्स की बात करें तो उसमें होंगे हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा और केदार यादव। अब वहीं गेंदबाजों की बात करें तो उसमें होंगे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों ये तो हो सकती है पूरी भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2020 के लिए। अब दोस्तों आपको बता दें कि कई बड़े दिग्गजों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं सुरेश रैना को भी मौका मिलना चाहिए इस वर्ल्ड कप में। ये तो हम सभी जानते हैं कि रैना T20 क्रिकेट के कितने बेहतरीन बल्लेबाज हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें भारतीय टीम में मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अब ऐसे में देखते हैं कि BCCI इस पर क्या फैसला लेती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना को अगले साल वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब दोस्तों आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 अक्टूबर को खेलना है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए। बाय बाय।